हेलो फ्रेंड्स, स्नैक्स चाहिए तो थोड़ा चेंज चाहते हैं, जैसे तो हेल्दी भी और टेस्टी भी, और बहुत कुरकुरे बनेंगे अगर जैसे गर्मा गर्म आप सर्व करते हो तो बहुत ही बढ़िया बनते हैं। तो चलिए, और सिंपल सी रेसिपी है सूजी के चटपटे अप्पे, ये करते हैं शुरू। सबसे पहले सूजी लेंगे हम। 200 ग्राम सूजी ले रही हूँ मैं, बाकी आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक ले सकते हैं। और इसमें हम ऐड करेंगे फ्रेश दही, ये मैं 2 टेबल स्पून, जैसे हाफ बाउल है 2 टेबल स्पून चाहिए। और ऐड करेंगे इसमें 1/4 स्पून बेकिंग सोडा, इससे अच्छे फूल जाएंगे, सॉफ्ट रहते हैं। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे सब चीज़ों को। अब इसको मिक्स करने के लिए जैसे पानी चाहिए हमें, तो हम 1/2 गिलास वाटर लेंगे, बस इतना सफिशेंट है। अगर ज़रूरत होगी तो बाद में देख लेंगे, वैसे इतना ही चाहिए हमें पानी, थोड़ा थिक चाहिए हमें बैटर इसका। अब अच्छे से मिक्स करके रख लेंगे इसको 10 मिनट के लिए। को चटपटा बनाने के लिए मसाला तैयार करेंगे, तो सबसे पहले मैं पैन में घी डाल ले रही हूँ, जैसे 1 स्पून घी, प्योर घी, तो अच्छा फ्लेवर आता है। और इसमें 1 अनियन, ये मैंने बारीक कटिंग कर ली है, तो इसको अच्छा सा भून लेंगे। हल्का सा पिंक कलर आ जाएगा तो इसमें हम दूसरी सब्जी ऐड कर देंगे, जैसे कि अब मैं ये ले रही हूँ हरी मटर। हरी मटर मैंने 1/2 बाउल ले रही हूँ, अकॉर्डिंग टू नीड ही हम अंदाजे से करेंगे। और साथ ही इसमें कैरेट्स, कैरेट्स भी मैंने बारीक कटिंग कर ली है, तकरीबन 1 कैरेट चलेगी। और इसको अच्छे से हम भून लेंगे, क्योंकि इनको टाइम लगता है, तो इनको अच्छे से पहले भूनना है। आफ्टर 2 or 3 मिनट्स बस इतने ही कुक करेंगे, क्योंकि बाद में भी ये जैसे अप्पे बनाएंगे तो उसमें भी कुक हो जाने हैं। तो इसमें हम ऐड करेंगे कैप्सिकम 1/2। इसको चलाने के बाद इसमें ऐड कर देंगे हम टमाटो, ये भी मैंने बारीक कटिंग कर ली है। अब इसको हम अच्छे से भून लेंगे, टोमेटो को पानी थोड़ा सा ड्राई हो जाना चाहिए। नाउ वी विल ऐड कोरिएंडर लीव्स, इनको भी अच्छे से चला लेंगे। और साथ ही मसाले डालेंगे, रेड चिली फ्लेक्स अकॉर्डिंग टू टेस्ट, एंड गरम मसाला 1/2 स्पून, और थोड़ा चाट मसाला ऐड करेंगे, इसमें अच्छा फ्लेवर हो जाएगा, 1/2 स्पून तकरीबन। और सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट, क्योंकि हम वो डाल रहे हैं मसाला, चाट मसाला, तो उसमें हम ध्यान रखेंगे कि सॉल्ट भी उसके मुताबिक ही डालना है। और इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। नाउ इट इज़ रेडी। और इसको ठंडा करने, थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे और उसमें डाल देंगे सूजी के जो हमने बैटर तैयार किया है। ये वेजिटेबल मसाला हम बैटर में ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। पात्रा को गरम करके इसमें थोड़ा सा बटर लगा के चिकना कर लेंगे। बैटर को एक बड़े स्पून की हेल्प से सब में डालते जाएंगे। अब अप्पों को 5 मिनट्स के लिए हम कवर कर देंगे।
भी एक बार हम चेक करेंगे, जैसे थोड़ी सी अभी कमी है तो अभी फिर कवर कर देंगे। अब ये चेक करके देखिए, ये सिक गई है, ऊपर तक पक गई है जैसे, तो अब इसकी साइड चेंज कर देंगे हम। अब इसकी साइड चेंज करने के बाद फिर हम 2 मिनट्स के लिए कवर कर देंगे, क्योंकि ये अब अंदर से भी कुक हो गए हैं तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, जल्दी से हो जाएंगे, ओनली फॉर 2 मिनट्स। अब इनको चेक कर लेंगे हम। जी ये रेडी हैं, अब गैस की फ्लेम बंद कर देंगे हम और इनको निकाल लेंगे बाहर। लीजिए चटपटे अप्पे सर्व करने को तैयार हैं। इसे आप किसी भी चटनी के साथ अगर लेना चाहें तो भी है, अगर ऐसे भी लोगे तो भी बहुत बढ़िया बने हैं ये, टेस्ट के भरपूर। तो आई होप सो आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी, अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।